ये जो मांस मछली खाते हैं लोग, अंडा मुर्गी कुकरी खाते हैं लोग, इन्होंने अपनी जीवा को वही स्वाद लेने के लिए तैयार कर लिया कि मछली का टुकड़ा जब मुंह में दबाकर दांतों से चबाते हैं तो उसकी जो कचकचाहट का टेस्ट है, फिर वो आदत पकड़ती है जीवा, फिर बार बार मछली खाने का मन होता है। और मछली में है क्या? एक तरफ तुम कहते हो कि कण कण में राम है और जर्रे जर्रे में खुदा है, और दूसरी तरफ बकरा काट कर खा रहे हो, भैंसा मुर्गा खा रहे हो, गाय घोड़ा गधा खा रहे हो, चिमगोदड़ और सांप खा रहे हो। कई ऐसे देश हैं वर्ल्ड के अंदर जिन देशों में कोई चीज छोड़ते ही नहीं, सब चीज खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं। वो खाने के नाम पर तो पूरा देश बहुत आगे है। कितने लोग तो रोड का भी पैसा खा जाते हैं, पुलिया खा जाते हैं, स्कूल की बिल्डिंग खा जाते हैं, रेलवे की पटरी का पैसा खा जाते हैं, और कितने लोग शौचालय, केंद्र सरकार की ओर से जो शौचालय बनते हैं उसमें से भी खा लेते हैं। खैर, बड़ा सौभाग्य है जो शौचालय का पैसा खाते हैं, लेटरिन का पैसा खाते हैं, वहाँ तक तो कोई बात नहीं। कभी अगर और प्रगति किया तो लेटरिन भी खा गए तो क्या होगा? हाँ, कितना खाओगे? ये मांस मछली जियो और जीने दो का फार्मूला रखो। जो लोग बासी रोटी खाते हैं उनको ताजी रोटी में स्वाद ही नहीं आता, और जिन्होंने बासी रोटी कभी नहीं खाई उनको जरा सा ठंडी रोटी खाने को दे दो तो रोटी तो ठंडी है पर उनका दिमाग गर्म हो जाता है, तुरंत गुस्सा आ जाती है, अरे ये क्या तुमने सब रोटी दे दिया, बासी सड़ी हुई रोटी है, गरम गरम होना चाहिए फुलका, और जितनी गरम रोटी होगी उतना वे ज़्यादा ठंडे रहेंगे, और रोटी ठंडी है तो वो गरम हो जाएंगे। बड़ा मुश्किल विषय, आदत ने पकड़ लिया। और बासी रोटी खाने से शुगर की बीमारी कंट्रोल होती है, बासी रोटी खाने से बीपी कंट्रोल रहता है, और बासी रोटी खाने से आपकी बुद्धि भी कुशाग्र होती है। इसलिए बासी रोटी खा लो, और बासी रोटी खाने से घर की स्त्रियों को भी आराम रहता है। कल बना कर रख देंगी, सुबह ठंडी में चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा, खा लो बासी माधोलाल, खुश रहो जाओ। और बासी और ताजी में ज्यादा फर्क नहीं, बिस्कुट खाते हो बासी नहीं तो क्या है, नमकीन खाते हो मिक्सचर बासी नहीं तो क्या है, हल्दीराम का मीठा बीकानेरी मीठा आता है पैकिंग में सोन पापड़ी बासी नहीं तो क्या है, ये कपड़े पहनते हुए बासी नहीं तो क्या है, 6 महीने पहले फैक्ट्री में कपड़ा बना स्टोर में रखा रहा फिर दुकान में रखा रहा, बासी नहीं हो गया 6 महीने और फिर पहन रहे हो? गाड़ियां भी तो बासी हैं, 1 साल पहले बनी है, अब आई है शोरूम से खरीद रहे 1 साल बाद, तो 1 साल बासी हो गई, तो बासी कोई बुरा नहीं। 20 साल पहले सड़क बनी थी उस पर चल रहे, वो भी तो बासी है, इसलिए बासी खराब नहीं है। तुम्हारी वाइफ भी तो बासी है, 40 साल पहले विवाह हुआ था अब तक तो बासी हो गई, पति भी बासी है, ये सब बासी लोग बैठे हुए। थोड़ा भोजन भी बासी अगर सड़ा नहीं है तो खाया जा सकता है। हमारे यहाँ कभी कभी चावल शाम को बच जाता है भंडारा में, तो संत लोग सुबह उसको फिर से कढ़ाई में छौंक कर और फिर से खा लेते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो अन्न का सदुपयोग करता है वो कभी भूखा नहीं सोता है, जो अन्न को फेंकता है
उसकी जिंदगी में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब उसको भूख लगती है तो खाने को नहीं मिलता है, इसलिए अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अन्न तो उतना ही लीजिए जितना भूख है। यहां भंडारा चल रहा है, फेंकने वाले लोग पत्तल में ज्यादा ले लिया, फिर खा नहीं पाए, फिर लपेट के बाहर फेंक दिया, बहुत पाप लगेगा। भंडारा खाने से बहुत पुण्य मिलता है, लेकिन भंडारे की रोटी और भंडारे की पूड़ी और चावल और दाल फेंकने से वो पुण्य छीण हो जाता है। मान लिया सबने एक एक पूड़ी फेंक दी, 10,000 लोगों ने, तो 10,000 पूड़ी फेंकी गई, और एक आदमी मान लिया 4 पूड़ी खाता है, तो 10,000 पूड़ी में कितने, 2,500 लोग खाएंगे। 2,500 लोगों के खाने भर की पूड़ी तुमने फेंका है तो इसका पाप तो लगेगा ही, इसलिए अन्न को देवता कहा गया है, अन्न को ब्रह्म कहा गया है, अन्न को फेंकना नहीं चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। और चाणक्य ने तो यहां तक लिख दिया है, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, जिसके घर में अन्न का अपमान नहीं होता है, और जिसके घर में पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, उस घर में लक्ष्मी हमेशा निवास करती है, कभी गरीबी और दरिद्र नहीं आता है। इसलिए पति पत्नी झगड़ा न किया करो, गम खा लिया करो। जब पति कुछ बोलने लग जाए उसका जवाब मत दो, बात ना लड़ाओ। किससे बात लड़ा रही हो तुम? अपने पति से। किसकी बात काट रही हो तुम? अपने पति की। किससे टक्कर ले रही हो? अपने पति से। ये कौन बुद्धिमानी है? आपका पति है, आपका पति अगर हार गया तो वो हार तुम्हारी है, वो आपका पति जीत गया वो जीत तुम्हारी है। आपके पति का फायदा भी पत्नी का ही है, और आपके पति का नुकसान भी पत्नी का नुकसान है। इसलिए पति को हराने की कोशिश मत करो, पति को जीतने दो, वो जीत भी तो आपकी ही है, क्योंकि पति भी तो आपका। और आपकी पत्नी कभी कुछ जिद कर देती है, ज्यादा उससे तर्क वितर्क मत करो, उसको शांति से बता दो, ठीक है जैसा तुम बोलती हो ऐसे हो जाएगा, जाओ खुश रहो। आपकी वाइफ यदि कहे कि मैं मायके जाना चाहती हूँ, रोकना मत, बुद्धिमान पति बनी, तुरंत उसको पैसे दे दो, 1,000-2,000, सामान बांध दो, गाड़ी में बिठा के छोड़वा दो, 10 दिन फोन मत करो, मोबाइल मत करो, 11वें दिन उसका फोन आ जाएगा कि मैं आना चाहती हूँ, तो तुम ये कह दो आइए आपका घर है, लेकिन बहुत दिन बाद गई हो, 10 दिन और रह लो अपने माता पिता के पास, सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा, दोबारा जिंदगी में कान पकड़ लेगी, कभी नहीं जाने का नाम लूंगी। लेकिन तुम्हें तजुर्बा नहीं है, जब वो जाने को बोलती है तो तुम कहते हो नहीं जाने दूंगा, रुको भी, तो वो समझ जाती है कि अब जाने के नाम पर इसको तड़फाया जा सकता है, बार बार कहेगी जाऊंगी जाऊंगी, जाने दो और लेने मत जाओ, आने दो, जब आए तो भी कहो आ गई तो अच्छा है, 2-4 दिन और रह लेती तो भी ठीक था, चल जाता है, खिचड़ी बनाकर खा लो, और किसी पड़ोस की कोई बूढ़ी महिला को 100 रुपये रोज दे दो वेतन, 2 टाइम भोजन बनाएगी, 3 टाइम झाड़ू लगाएगी, सब बर्तन मांज धो के रख देगी, 100 रुपया फेंको, तमाशा देखो, शाम को अपने घर चली जाएगी, कुंडी बंद करो, आराम से सो, गुरु का प्रवचन सुनो, झंझट खत्म। लेकिन बुद्धिमान स्त्री बनो, ज्यादा दिन अपने ससुराल को छोड़कर मायके मत जाओ, अन्यथा आपका पति अगर नौकरानी है तो नौकरानी के साथ अगर सेट हो गया तो तुम्हारे लिए हैरानी बन जाएगी। नौकरानी को घर में एंट्री मत होने दो,
क्योंकि कई घरों में नौकरानी रानी बन गई और रानी के लिए हैरानी बन गई। इसलिए नौकरानी को ज्यादा चांस मत दीजिए, क्योंकि नर और नारी का मन बड़ा चंचल होता, फिसलने वाला होता है। और जिस चीज को मनुष्य प्राप्त कर लेता है उसका रस खत्म हो जाता है, और जो चीज इसको नहीं प्राप्त हुई है उसमें इसको रस दिखाई देता है। जो गाड़ी तुमको मिल गई है अब उस गाड़ी में तुमको खुशी नहीं है, जो गाड़ी नहीं मिली है उस गाड़ी पर तुम्हारी नजर है, जो स्त्री तुम्हारी पत्नी बन गई है उसमें अब तुमको कोई रस नहीं है, लेकिन जो स्त्री दूसरी कोई निकलती है उसमें तुम्हें रस दिखाई देता है, दूसरा पुरुष निकलता उसमें रस दिखाई देता है। और वो पुरुष और वो स्त्री जिसमें रस दिख रहा वही अगर तुम्हारा पति तुम्हारी पत्नी बन जाती तो उसमें भी आज तक रस खत्म हो गया होता। इसलिए याद रखना, इस चंचल मन को नियंत्रित कीजिए और चंचल भैंस जैसी आदत छोड़ दीजिए। एक भैंस थी, भैंस की कहानी है। तो उस भैंस को जो किसान पाल रहा था उसके पास में 50 बीघे गन्ना था और गन्ने में घास थी वर्षा का ऋतु, तो भैंस को ले जाकर गन्ने में छोड़ दिया कि अपना गन्ना अपनी भैंस अपनी घास खूब खाए, शाम को दूध देगी, किसी से झंझट नहीं। और भैंस को 50 बीघे के प्लाट के गन्ने में छोड़ा। और भैंस तो भैंस, उसने सोचा अरे इतनी हरी भरी घास तो थोड़ा आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ी 5 मिनट में 50 बीघे गन्ने को क्रॉस करके दूसरे के गन्ने में चली गई। दूसरे के गन्ने का मालिक आया डंडा लेकर, बोला तुम्हारी भैंस मेरे गन्ने में। तो उसने कहा भगवान बचाए भैंस से, 50 बीघे का बड़ा प्लाट और उस गन्ने की घास चरने के लिए इसको स्वतंत्र छोड़ा गया, और ये अपने गन्ने को छोड़कर अपनी घास को छोड़कर अपने खेत को छोड़कर इतना जल्दी क्रॉस करके निकल गई दूसरे गन्ने खेत में। तुम्हारा मन भी भैंस जैसा है, जो मिला है उसका तुम आनंद लेते नहीं हो, जो दूसरे का है उसमें ललचाते रहते हो। ये भैंस बनना छोड़ दो। ये आंखों देखी घटना है, बचपन में मैंने देखा था, बचपन में देखा था, वो कहानी आज याद आती है। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ रहो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ बसो। मेरे मन गाइए महाराज, बसो मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ बसो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बहुत आनंद आ रहा है, थोड़ा और समझना। विद्यार्थी जीवन एक साधना का समय है, त्याग का समय है, और जब तुम्हारे अंदर त्याग की क्षमता आ जाती है, अब कुछ देखने का मन नहीं है, नहीं देखन की चाह है, नहीं सूंघन की चाह, नहीं मिलने की चाह है, केवल तन निर्वाह। वैज्ञानिक कौन बनता है? जो अपने मन को नियंत्रित करता है। और शक्तियों को नियंत्रित करके देखो तो तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार क्या होता है। जब महिलाएं भोजन बनाती हैं, किसी भगोना में पतीली में जब दाल को चढ़ाती है, 1 घंटे तक आग जलाती रहती, दाल नहीं पकती, और वही दाल
वही पानी, वही महिला, वही किचन, वही चूल्हा। जब कुकर में दाल को डाल देती है, 5 मिनट के बाद पहली सीटी बज जाती है कि आधी दाल पक चुकी है। 8 मिनट के बाद दूसरी सीटी बजती है कि पूरी दाल पक चुकी है। और तीसरी सीटी जब बजती है, तुरंत वो महिला दाल को उतार लेती है कि बिल्कुल फाइनल कंप्लीट हो गई। जो दाल 1 घंटे तक नहीं पकती है चूल्हे पर, पतीली में, भगोना में, गंजी में, वही दाल कुकर में 5 से 10 मिनट में पक जाती है। कारण क्या है? पतीली में स्टीम कंट्रोल नहीं है और कुकर में स्टीम कंट्रोल है। और कुकर में स्टीम कंट्रोल है तो 1 घंटे में होने वाला कार्य 10 मिनट में हो जाता है। अगर आपने अपने मन की स्टीम को कंट्रोल किया है, इंद्रियों की स्टीम को कंट्रोल किया है, बुद्धि की स्टीम को कंट्रोल कर लिया है, तो याद रखना 10 जिंदगी में होने वाला कार्य 1 जिंदगी में करके तुम दिखा दो। सबसे पहले अपनी दृष्टि कंट्रोल करो। दृष्टि, फिर श्रवण को कंट्रोल करो, कानों को, और उसके बाद तुम अपनी वाणी को कंट्रोल करो कि बोलना क्या है। जीवा को कंट्रोल करो, खाना क्या है। और उसके बाद अपने पैरों को कंट्रोल करो, जाना किस राह पर है। फिर हाथों को कंट्रोल करो, इन हाथों से करना क्या है, क्या नहीं करना है। और फिर अपने दिमाग बुद्धि को कंट्रोल करो, इस बुद्धि से सोचना क्या, याद क्या करना है। और यदि ये सब कंट्रोल करने की क्षमता तुम्हारे पास में आ गई, तो एक बात याद रखना, जो आज तक 40 साल में तुम नहीं पा सके, वो 4 साल में पा जाओगे। कंट्रोल करके देखो तुम तो।